हे गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो काफ़ी दिनों से ऑफ था मैं और काफ़ी दिनों से हे गाइस बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले सभी को जो है बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बुद्धिस्ट कम्युनिटी को इस दुनिया में कोने कोने में आज सेलिब्रेशन जारी रहेगी। जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के मंदिर होते हैं वहाँ पे, तो आज उसी तरह अपना गांव में भी बुद्धिस्ट है हम, तो उसी तरह से आज भी यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है पूरा धूमधाम से। तो उसी का साथ देने के लिए हम लोग आज निकल रहे हैं मंदिर की ओर। आया ब्लॉग्स भैया भी आया, देखिए। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बुद्ध जयंती। थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल लगाया लोंगी, तो मैं भी थोड़ा बहुत लोंगी लगाया, तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं फिलहाल। पहुंच चुके हैं अभी मंदिर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ का डेकोरेशन कुछ इस तरह से हो चुका है। हैप्पी बुद्ध जयंती सलमान, हैप्पी बुद्ध जयंती। यहाँ पे देखिए गाइस, दीदी लोग भी आ चुके हैं और यहाँ पे बांजी भी आ चुके हैं। हेलो। और गाइस यहाँ पे देखिए, आज का डेकोरेशन कुछ इस तरह से हो चुका है। गाड़ी को जो है सजाया गया और वहाँ पे बैनर लगाया गया, हैप्पी बुद्ध जयंती द वैसाख डे ऑफ 5th of May 2023। तो अपना बुद्धिस्ट का नेचर कुछ इस तरह से देखिए गाइस। और यहाँ पे आए हम लोग का दोस्त बीना जी, आकाश जी, टक्टर जी यानी कमसन जी, यहाँ पे अपना जोनी सिंह भैया जी और वहाँ पे चाओ बलिया फनामजम जी। तो एनीवे अभी कुछ ही देर में जो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और शाम को जो है खूब घूमेंगे बुद्ध जयंती के उत्सव पे। प्रार्थना अभी जस्ट शुरू होने वाला है शायद। तो अभी जो पूजा समाप्ति के बाद अभी जो है बुद्ध को जो है गाड़ी से घुमाने के लिए यहाँ पे जो है तैयारियाँ वगैरह चल रहा है। बुद्धिस्ट का प्लग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा बुद्धिस्ट प्लग लगाया जा रहा है और वहाँ पे ढोल भी तैयारियाँ किया जा रहा है पूरा। तो यहाँ पे अपने मॉन्क्स शर्मा वगैरह लोग भी रेडी हो चुके हैं एंड सभी लोग पूरा रेडी हो चुके हैं अभी निकलने के लिए। और यहाँ पे डेकोरेशन थोड़ा बहुत जारी है अभी भी। तो अपना जो बुद्ध जयंती का उत्सव है उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए निकल पड़ा है गाड़ी से। देखिए यहाँ का नज़ारा, डेकोरेशन का नज़ारा कुछ इस तरह से। बांधे जी भी अंदर बैठा हुआ है अपने कुछ शर्मा वगैरह, उसको साथ में बजा, साथ में बजाना। चंदा निकल पड़े अभी। काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का, इस बुद्ध जयंती को एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो उसी महत्वपूर्ण दिन को एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए काफी लोग पूरा अपना गला भी फाड़ चुके हैं हम। हो आज के इस महत्वपूर्ण दिन को एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए निकल पा रहे बुद्ध जयंती के उत्सव पे। काफी सारे भीड़ के संख्या में लोग आ चुके हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर से अपना गांव का है। यहाँ पे आ रहे अपने बांधे जी, अपने गांव का सबसे बड़ा बांधे महेश तबीर आर्यनंदा बांधे जी।
गाइस काफी लंबे समय के बाद अभी पहुंचा हूं घर पे एंड काफी सारे लोगों के साथ नारा लगाना और इतना दूर तक पैदल चलना थोड़ा बहुत तो थकान महसूस हो रहा, परंतु कोई बात नहीं। एक बुद्धिस्ट होने का नाते आज के बुद्ध जयंती के उत्सव पे आज मतलब कि अपना धर्म का जन्म हुआ ऐसा कुछ। तो अभी मैं जाऊंगा थोड़ा बहुत ATM चौक हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत काम है, ATM में कुछ डिपॉजिट भी करना है, विद्रो भी करना एंड अपना जो मोबाइल है जहाँ से शूटिंग और वहाँ पे थोड़ा बहुत टिम्बर ग्लास भी लगाना। तो अभी चलूंगा मैं, तो अभी अपना ATM का काम पे हो चुका है, अभी हम जाएंगे थोड़ा सुपर मार्केट की और थोड़ा बहुत टिम्बर ग्लास लगाना है मुझे, क्योंकि सेफ्टी हमेशा जरूरी होना चाहिए। आज ही टूटने वाला था अगर टिम्बर ग्लास ना होता तो मंदिर पे। तो अभी मैं जाऊंगा मार्केट की और टिम्बर ग्लास बेहतर से लगवा लेते हैं। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे ना, तो बोलने का तरीका थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है पता नहीं। तो अभी अपना मोबाइल पूरा जकास हो चुका है, पूरा नया बन चुका है, तो सेफ्टी होना जरूरी है ना। ऐसे कभी कभी गिर भी जाता है, छोटा बच्चों का हाथ में रहता है, बंजी के हाथ में ज़्यादातर मेरा मोबाइल रहता है तो गिरा देता है कहीं कहीं, तो मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास ना रहने से पूरा डिस्प्ले में इफेक्ट आ सकता है। तो लगवा लिया 130 में। तो गाइस अभी हो चुका है पूरा रात एंड मैं एक्चुअली ना ATM से आगे तुरंत वीडियो बनाने वाला था, मैं एक्चुअली सो भी गया था पूरा थकान महसूस के चलते एंड थोड़ा बहुत बहुत आज जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ पूरा सर्दी बुखार है मुझे, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आज। और अभी जो है मम्मी कुछ बना रही है शायद, मैंने सुना ऐसे अभी सो के होता। सो लेट्स सी मम्मी क्या बना रही है, आप लोग को दिखाता हूँ तार वीडियो के जरिए। ये बनाते मैं बड़ा भी थी और यहाँ पे जो है एक प्रकार का जो रोट पूरी का जैसा बनता है, ये देखिए गोल सा बनता है, ये पूरा गर्म है अभी भी। यहाँ पे बना के यहाँ पे डाल के गर्म करने के बाद पकने के बाद यहाँ पे हो गया अपना बोरा फिडे ट्रेडिशनल फूड्स। चाहे गाइस इस नेक्स्ट डे, तो कल वीडियो को मैं एनी कर नहीं पाया क्योंकि लाइट भी नहीं था, तो ज़्यादातर अंधेरा दिखाई दे रहा था, तो वीडियो को एनी नहीं किया मैंने। तो ये इस वीडियो को यहाँ तक एंड करते गाइस, तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद किया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके पूछिए कैसा लगा। अच्छा अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया तो शायद बोलने का तरीका थोड़ा बहुत बदल गया होगा, तो कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे रोज वीडियो बनाने के लिए आजकल।